अस्सलाम वालेकुम। सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद आमिर जमील, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहरिया टाउन कराची के हवाले से आपको एक ख़बर दे देते हैं। बहरिया टाउन कराची के मेन गेट को खोल दिया गया है। अब बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से वो तमाम लोग जो कि गेट नंबर 3 से आ रहे और जा रहे थे, उन तमाम लोगों के लिए गेट नंबर जो मेन गेट है उसे खोल दिया गया है। इस पर याद रहे, इतवार वाले दिन प्रोटेस्ट की वजह से कंटेनर्स वगैरह लगाए गए थे और उन कंटेनर्स की को आज हटा दिया गया है। आज यानी बुध के रोज़ कंटेनर्स को हटा दिया गया है और अब बहरिया टाउन कराची के तमाम रेजिडेंट्स, तमाम बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोगों की अब आमदोरफ्त मेन गेट से हो सकती है। तमाम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरह से अगर अंडरपास की बात करें तो अंडरपास पहले से फंक्शनल थे। उन तमाम अंडरपासेस में जो इस वक्त नुकसान वगैरह पहुँचाया गया था, उन तमाम की भरपाई वगैरह भी देखी गई है और अंडरपासेस को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है। इसके अलावा रेजिडेंट जो कि गेट नंबर 3 यूज़ कर रहे थे, उनको एक मुश्किल पेश आ रही थी। इस तमाम चीज़ को देखते हुए उन तमाम लोगों के लिए ये आसानी पैदा कर दी गई है कि मेन गेट को खोल दिया गया है। इस हवाले से अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो जितने भी बहरिया टाउन कराची के बिल्डर्स हैं, बहरिया टाउन कराची में डेवलपर्स हैं, उन तमाम लोगों ने बहुत सारी, और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट, उन तमाम लोगों ने बहुत सारी एफर्ट्स डाली हैं। बहुत सारी जितनी भी इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम को इन्वॉल्व करके बहरिया टाउन कराची के हवाले से बहुत सारे फैसले किए गए। इसको सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट कहा जाता था और इसकी सेफ़ एंड सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। इसी हवाले से इसकी बहुत बड़ी निशानी है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो गेट, मेन गेट को बंद किया गया था, उसे दोबारा से खोल दिया गया है। इसी तरह से हमने आपको मार्केट के बारे में भी अपडेट किया था कि बहरिया टाउन कराची में लाइफ नॉर्मल है और उस नॉर्मल लाइफ की एक निशानी आज हमें यह भी नज़र आ गई कि मेन गेट के बारे में बहुत स्पेकुलेशन मौजूद थी, तो मेन गेट को भी अब खोल दिया गया है। वो तमाम लोग जो कि गेट नंबर 3 से अपना आना और जाना कर रहे थे, उन तमाम लोगों की वो मेन गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन गेट को अपना रूट वगैरह बना सकते हैं, वो तमाम स्पेकुलेशन भी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही मेन गेट खुलता है, बहरिया के ख़िलाफ़ जितना भी प्रोपेगेंडा था वो तमाम भी ख़त्म हो जाता है। इस बात से ही कि 3 दिन के अंदर अंदर तमाम सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया और 3 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर उसी दिन ही लाइफ नॉर्मल हो गई थी। और इस पर जितने भी कंटेनर्स लगाए गए थे, जितने भी तरीके से बहरिया टाउन कराची में जो ब्लॉकेज मौजूद थे, उन तमाम ब्लॉक्स को ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।